चंदौली डीडीयू नगर के रामकृष्ण महिला विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज आज पूरे 7 महीने के बाद खुला, जहां कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों जैसे पूरे विद्यालय को सैनिटाइज कराना, अनिवार्य रूप से मास्क लगा कराना, अभिभावक सहमति पत्र साथ में रखना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। स्कूल 2 पालियों में, हाई स्कूल प्रथम पाली 8:50 से 11:50 एवं इंटर द्वितीय पाली 12:20 से 3:20 तक संचालित हो रहा। चंदौली से ब्यूरो सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। सर पांडे, सहायक अध्यापक रामकृष्ण महिला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुगलसराय। आज सर कोविड-19 के बाद आज स्कूल खुला है, तो बच्चों को कोविड-19 से बचाव के लिए क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? जी हाँ, कोविड-19 के बाद काफ़ी समय से विद्यालय खुले हैं, अभी तक ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ाई होती रही है, अभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से तो चली रही है, लेकिन जब से कोविड के कारण खुला है तो शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरे स्कूल को साफ सुथरा, साफ स्वच्छ किया है, सैनिटाइज किया है और 3-3 फीट की दूरी पर हमने निशान बना करके और बच्चों को बुलाया गया है। बच्चों को जब उनको मास्क के साथ और गार्जियन के सहमति पत्र के साथ बुलाया गया है, गार्जियन से सहमति आवश्यक है और इसी के साथ बच्चों को 2 पाली में बुलाया जा रहा है। सुबह 9 से 10 पहली पाली में बच्चे आ रहे हैं और कक्षा 11-12 के बच्चे द्वितीय पाली में 11:50 से 3:20 पर आ रहे हैं। और जब भी बच्चे आते हैं उनको हम लोग फॉर्मल स्कैनिंग करते हैं, उनको सैनिटाइज़र से हाथ सेट करवाते हैं और यहाँ पर बाकी भी उनको हैंड वॉश आदि रखे गए हैं। कक्षा में भी उनको उचित दूरी बनाते हुए एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी को बैठाया जा रहा है और पूरे निर्देशों का पालन करते हुए और अब पढ़ाई सारी की जा रही है।